शंकर जी के जितने ओटले थे, जितने मंदिर थे, इन मंदिर और ओटलों के फोटो अगर पुराने हो तो निकाल कर देखना। और आज शिव पुराण सुनने के बाद उन मंदिरों और ओटलों के फोटो देखना तो आपको खुशी महसूस होगी कि लोग मंदिर के दरवाजे पर खड़े हैं। पहले जिन मंदिरों में लोग नहीं जाते थे, आप अकेले उस मंदिर में जाते थे, उस मंदिर में कोई नहीं आता था, आप अकेले जाते थे, आज उसी मंदिर में आपको भी लाइन लगाना पड़ती है जल चढ़ाने की। ये शिव भक्ति, ये शंकर की कृपा। इसलिए कहते हैं कलयुग नहीं, जम के बोलो कौन सा युग, वायलिन के बच कम करो, कलयुग नहीं शिव युग। ये साधारण सा युग नहीं आया है, अभी तो कलयुग भी विचार में होगा, मैं कहां जाऊंगा, करना क्या है। कलयुग को भी टेंशन है कि सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, राज्य तो हमारा आया था, किसका, अरे जम के तो बोलो, कलयुग का। पर कलयुग को क्या मालूम था कि बीच में सप्रीमेंटी आ गया और ये शिवयुग बीच में आ गया। और केवल शिवयुग ऐसे ही नहीं आ गया, नीचे से लेकर ऊपर तक बड़े बड़े सिंहासन पर बैठे हुए राजा भी आज शंकर का गुणगान कर रहे हैं, शिव मंदिर में जाकर शंकर का स्मरण कर रहे हैं, शंकर की पूजन कर रहे हैं। साधारण नहीं है।